हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो फेसिओला हेपेटिका है उसके जो जितने भी जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण है उसको देखा था। आज हम देखेंगे कि जो हेलमेंथिस समूह के जो जीव रहते हैं उनमें परजीवी अनुकूलन या पैरासिटिक एडॉप्टेशन किस प्रकार से पाया जाता है। तो परजीविता या पैरासिटिक पैरासाइट क्या होते हैं पहले तो जो दो जंतु रहते हैं, दो जंतु का बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक को हानि हो और दूसरे को पोषण प्राप्त हो, उसे परपोषी भी कहते हैं, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहता है भोजन हेतु वह परपोषी है। लेकिन जो परजीविता होती है वह हमेशा भोजन के लिए होती है, ये जरूरी नहीं है। अब जो जोंक रहते हैं, तो जोंक है वो बाह्य परजीवी होते हैं और टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक ये सभी आंतरिक परजीवी रहते हैं जो अंदर आंतरिक या देही कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम ये कोशिका के बाहर एवं बाह्य कोशिका परजीवी जैसे मतलब बाह्य कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले परजीवी जैसे एस्केरिस। जब जो परजीवी रहता है अगर वो परपोषी के बिना जीवित नहीं रहता, अर्थात वह किसी दूसरे होस्ट के बगैर जीवित नहीं रह सकता, तो उसे पूर्ण परजीवी कहते हैं। और जो मौका मिलने पर स्वतंत्र जीवन भी व्यतीत करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे आंशिक परजीवी कहेंगे। कुछ स्थायी परजीवी होते हैं जैसे कि निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और कुछ संपर्क में ना रहने वाले वो अस्थायी परजीवी होते हैं। और कुछ परजीवी होते हैं परजीवी या परपोषी जिन्हें कहते हैं वो कम समय के लिए संक्रमित करते हैं परपोषी को, कुछ परजीवी, और उन्हें कालिक परजीवी कहते हैं। अब जो हेलमेंथिस है, अपन को पैरासिटिक एडॉप्टेशन देखना है, तो हेलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले जैसे कि उनमें देखते हैं, तो हेलमेंथिस जैसे चपटे कृमि निमेटोड आते हैं इस समूह के अंतर्गत। तो इसी तरह इनके आकार क्रियात्मक संबंध को प्रदर्शित करके हम देखेंगे कि इन पे किस प्रकार से पैरासिटिक एडॉप्टेशन पाया जाता है। अब इनमें दो प्रकार से अनुकूलन होता है, पहला आकारिकी अनुकूलन और दूसरा कार्य के अनुकूलन। तो आकारिकी में क्या है, सख्त आवरण, जैसे कि कुछ परजीवी होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान है तो एक मोटा या एक कवच नुमा अध्यावरण पाया जाता है उनमें, और इसका जो नियमित रेगुलर इसका नवीनीकरण होता है, और प्रोटीन से बनी क्यूटिकल पाई जाती है इसमें, जैसे कि फेसियोला की जो देह भित्ति है वो एक प्रकार से सख्त आवरण होता है। अब आकारी के अनुकूलन में दूसरा क्या है, विशेष अंग, जैसे कि परपोषी के देह पर चिपकने के लिए कुछ जंतुओं में विशेष अंग भी पाए जाते हैं, जैसे हुक, चूषक, कंटिकाएं जैसे टीनिया और फेसियोला में पाए जाते हैं। और तीसरा जो है वो अपार जनन क्षमता, इनका जो जीवन चक्र होता है वो जटिल होता है, बहुत सी बाधाएँ सहनी पड़ती है, भविष्य अनिश्चित एवं अस्तित्व खतरे का सामना करना पड़ता है इन्हें, इसे तो इनमें अपार जनन क्षमता पाई जाती है, और संचार के लिए लाखों अंडे उत्पन्न करते हैं, कुछ ही वयस्क बन पाते हैं, और इनके जननांग भी विकसित होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होने से कम जंतु में जनन संभव हो पाता है, कम जंतुओं में भी जनन संभव हो जाता है, और दो ही जंतु अंडे देते हैं जिससे जनन की दर दोगुनी हो जाती है। अब चौथा जो आकारी के अंतर्गत है वो पोषण है, परजीवी परपोषी से बचा भोजन लेते हैं, इसमें पोषक जो अंग है उनका अभाव होता है, बचे भोजन को चूसने हैं तो चूषक होती है, ग्रसनी होती है, अपूर्ण आहार नल पाई जाती है, और फीता कृमि या टीनिया सोलियम में आहार नाल का अभाव होता है, क्योंकि ये सीधा एवं पचित भोजन का अवशोषण करता है, जो पचा हुआ भोजन रहता है। अब पांचवा इसके अंतर्गत है तंत्रिका तंत्र व संवेदांग। तो कुछ जो जंतु रहते हैं उनमें संवेदी अंगों का अभाव रहता है और वे परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, तंत्रिका तंत्र भी अविकसित होता है। और छठा क्या है, इसमें लोकोमेटरी ऑर्गन या गणनांग,
इसे इनमें इसके कुछ एनिमल्स ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ की भोजन आसानी से मिल जाता है और कहीं चलकर जाने की आवश्यकता होती है इनमें। परंतु जो कुछ जीव रहते हैं उनमें गन्नाम या लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। तो ये सब था आकारी के एडॉप्टेशन या आकारी की अनुकूलन। दूसरा क्या है, कार्य के अनुकूलन। तो कार्य के अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, ये भी तीन प्रकार का, ये तीन प्रकार का होता है। पहला है कार्य की सुरक्षा। तो ये जो परपोषी जो रहते हैं, परपोषी की जो आहार नाल है उसमें कहीं पाचक एंजाइम द्वारा पचा लिए जाते हैं, पाचक एंजाइम द्वारा। तो ये अपने आप को अनुकूलित करता है पोषण लेने हैं। तो ये क्या करता है कि श्लेष्मा का स्त्राव अधिक करता है जिससे देह भित्ति के चारों ओर आवरण बन जाता है और इसकी पाचन एंजाइम से रक्षा हो जाती है ताकि इसका पाचन, इसको कहीं ना कहीं से एंजाइम इसको हानिकारक ना हो इसके लिए। यह एंटी एंजाइम भी स्त्रावित करते हैं और ये देह के मतलब जो अंदर अमाशय के मतलब देह के अध्यावरण का नियमित नवीनीकरण करते रहते हैं। अब कार्य के अनुकूलन में दूसरा है अवायु श्वसन। मतलब इनके जो कुछ जीव हैं ये ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़कर ऑक्सीजन और लैक्टिक अम्ल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और परजीवी वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं पी पाती, इसलिए इनमें अवायु श्वसन या अवायवी श्वसन पाया जाता है कुछ जंतुओं में इसके। अब दूसरा क्या होता है, तीसरा इसका क्या है, कार्य के अनुकूलन के प्रभावी जनन क्षमता। अब इनमें अपार जनन क्षमता पाई जाती है परंतु इनका जो भविष्य है वो अनिश्चित होता है। हजारों अंडे देता है, कुछ अंडे हैच होते हैं और कुछ अंडे से ही मर जाते हैं या किसी द्वारा खा ले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं किसी प्रकार से। तो हैच होकर संतति कम जारी रखते हैं और इसका अस्तित्व बनाए रखते हैं, इस हेतु इनमें अपार जनन क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से जो हेलमेंथिस के जो एनिमल है उनमें पैरासिटिक या परजीवी अनुकूलन पाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।